तीन घंटे की मेहनत के बाद फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग घर से निकल पड़े हैं मंगनी के लिए। अब देखें कब पहुंचते हैं हम। आगे दो हमारे मुहाफिज़ बैठे हैं। इस एज के बच्चों की भी अपनी ही ज़िंदगी है, मस्त रहते हैं, जो मर्ज़ी छेड़े जो मर्ज़ी कुछ करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें। कितने मज़े से बैठी हुई है, कार्टून देख रही है और मूसा को मस्तियाँ चढ़ी हुई हैं। मूसा तंग कर रहा है उसे बार बार। मसा नहीं करो बेटा, ये पारिशी पोलो है हमारी बुड्ढी। ये रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोगों के लिए मैक्रोनी सैलड और कोल्ड ड्रिंक वगैरह आई हैं। वही सब हो गया है, रोटी खोल दे शफीक अहमद। बहुत भूख लगी हुई है, खा के बात करते हैं। बात हम लोगों ने क्या करनी है, किसी के घर आके तो बोला भी नहीं जाता, तो किसी के सामने तो वैसे ही मुझसे बात नहीं होती है। ये चीज़ में हमने अपने जीजू के लिए कुछ शॉपिंग की थी, छोटी सी हमारी तरफ से उनके लिए छोटा सा गिफ्ट था, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी तो शादी पे देखेंगे ना, ये तो एक छोटा सा प्रेजेंट था उनके लिए। कुछ देर उधर बैठे, खाना वगैरह खाया, बातें वगैरह की, और जीजू तो इधर कोई नहीं थे, बस उनके घर वालों से मिल के आए हैं, क्योंकि मैं भी स्वीडन वापस चले जाना है और छोटी सिस्टर ने भी वापस कराची चले जाना है। तो हमने कहा एक दफ़ा उनकी फैमिली से मिल लाएँ और घर देखाएँ। सब लोगों को पता था कि आज हम लोगों ने बाहर जाना है, सिस्टर से ट्रीट लेनी है उसके एंगेजमेंट की, फिर सब ने अपने अपने कामों में चले बिज़ी हो जाना है तो टाइम नहीं मिलना। तो हम लोगों ने बहुत गुंजाइश रखी हुई थी अपने लिए। अब फिर हम लोग घर वापस के चेंज किया, और कुछ ने चेंज किया कुछ ने नहीं किया, तो अब हम वापस आ गए हुए हैं वी मॉल में। इधर हम लोग ट्रीट ले रहे हैं, तो साथ कुछ थोड़ी देर घूमें फिरेंगे। पुरजोश फरमाइश पे ये दोनों लोग मेरे YouTube चैनल पे आ गया है। इन्होंने कहा कि जी हमें वायरल कर दो अपने चैनल पे ला के। तो जी ये मेरे एक कज़न हैं और ये मेरा भाई है, तो प्लीज़ आप इन लोगों को ज़रूर फॉलो करिएगा। बेशक इनके अकाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को लाइक, इनके इनकी खातिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। तो हम लोग बस वेट कर रहे हैं हमारे पिज्जे का, और ये देखें आर्मी वाले बेचारा अकेला ही घूम रहा है। हाय, 5 माह के बाद आज मैं फाइनली पाकिस्तान का पिज़्ज़ा खाने लगी हूँ। मैंने स्वीडन में इसे बहुत मिस किया। अब मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल ना करिएगा, मैं खाने लगी हूँ। इसीलिए नहीं खा रहे आप। प्लीज़ इन दोनों की खातिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पानी 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 ओके 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 ओके, ये लो। ये है जी सियालकोट वी मॉल, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड इधर आ गए हैं। जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तो इधर इतने ज़्यादा मतलब कुछ कुछ इसमें से नहीं थे, नहीं मोस्टली है थे। और इसको भी बड़ा शौक है जी मेरे व्लॉग में आने का। इसे देख लें, ड्रामे बाद हर वक्त नाना अबू का लाडू बना रहता है, शोका हो गया। नाना अबू का बहुत लाडला है वो, ज़रा नहीं थे तंग आते हैं, जो मर्जी ये करें और मुझे भी डांटते हैं कि क्यों इसे डांटती हो। मैं फिर उनके हवाले कर देती हूँ और खुद आराम से मैं घूमते रहती हूँ। मैं ठीक है आप संभालें, फिर आप इसको बर्दाश्त करें। तो अब हम लोग बस घर वापस जाने लगे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, 11 ऑलमोस्ट 11 बज गए होंगे यहाँ तक। चल इधर देखो, मूडी है मूडी। ये देखें जी मिशाल गाड़ी चला रही है, इसके काम देखे, कहती बाबा आप छोड़ दे मैं चलाऊंगी।
खुद को इतनी बड़ी ड्राइवर समझ रही है। निशा सानू हैरियत ना कार पहुँचा दी, बस तेरी मेहरबानी। टिड्डो किधर किधर हैंड लगा रही है, इतनी खुश हुई है। अब जी हम लोग घर वापस जा रहे हैं, तो मिलते हैं फिर सुबह इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? आज हम लोग लाहौर आए हुए हैं, मेरी ताई अम्मी का ऑपरेशन हुआ है, तो हम उनकी खैरियत मालूम करने के लिए आए हैं। तकरीबन सब लोग आए हैं, नहीं जितने हम गाड़ी में आ सकते थे उतने तो हम आए हैं, और ये हमारी छोटी सी फिनी सी टिड्डो भी आई हुई है। तो अंदर जाके मैं इतना बोल नहीं सकती, उन्होंने कहना है इतने भी नहीं छोड़े व्लॉग, तो इसलिए मैं अंदर बात नहीं करूँगी और अंदर से छोटे छोटे क्लिप्स लूँगी। देखें अब आप, चलें जी ऊपर चलते हैं, मेरी कज़न का ऊपर वाला पोर्शन है, तो अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाके मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, नीचे तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं गाड़ियों के शोरूम में आई हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा है इनका घर है, इसका पोर्शन भी बहुत प्यारा है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँगी, फिर आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद है। ताई अम्मी का हाल पूछ के अब हम लोग बाहर बैठे हैं, उधर फिजियोथेरेपिस्ट टाइम में है, तो हमने कहा चलो हम इधर बाहर बैठते हैं बच्चों के साथ। इसका घर मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, आप लोग इधर से आइडियाज़ ले सकते हैं अपने घर के लिए। मैं भी बड़े लेती हूँ, लेकिन वो अलग बात है कि मैं अमल बिल्कुल नहीं करती। तो बच्चों के लिए अनाया ने खिलौने भी निकाल दिए हैं, ये मेरी नीस है माशाल्लाह अनाया, तो अनाया ने अपने सारे टॉयज़ भी इन्हें दे दिए हुए हैं और वो मज़े से खेल रहा है मूसा, उसे बस टॉयज़ चाहिए। ये साइड पे इसका बेडरूम है और ये इसकी टीवी लाउंज, छोटा सा इसका टीवी लाउंज है और बहुत प्यारा है और नीट है, तो इसे डेकोरेशन का बहुत शौक़ है। मोस्टली लड़कियों को शौक़ होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा है। और डॉक्टर है मेरी कज़न माशाल्लाह से लाहौर में, और अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे बिल्कुल ना बताना। डॉक्टरी के साथ साथ घर भी बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। ये जी हमारे लिए खाना बन के आ गया और बहुत मज़े का खाना लग रहा है, मेरे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। खाना देख के वैसे मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आजकल पाकिस्तान आई हूँ ना जी। हाँ जी, क्या हुआ है? मूसा इधर आओ, जाओ लेके आओ उसको। हम लोग निकलने लगे थे तो फिर अंदर से आवाज़ आई कि वो एक आंटी हैं, उन्हें मिलना है, तो अब मैं दोबारा अंदर जा रही हूँ। मूसा तो बाहर गेट के पास चला गया है, नतीजा आप ले आइए उसको, तो बस एक दफ़ा हम उन्हें अंदर मिलना है, तो फिर इंशाल्लाह हम घर के लिए निकलेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं लाहौर वाल्टर रोड पर, जो मेरी पुप्पो रहती हैं, तो बस 10-15 मिनट पुप्पो से मिलेंगे, उसके बाद फिर आप सियालकोट जाएंगे, क्योंकि अब आए तो हैं इधर, हमने कहा चलो जाते जाते पुप्पो से भी मिल जाते हैं, तो फिर थोड़ी देर उनकी तरफ रुकेंगे। और इधर आते हुए भी हम दो दफ़ा रास्ता भूल गए, गलत रास्ते पर चले गए थे, इतना गूगल मैप ख़राब है ना पाकिस्तान का, क्या करे बंदा इनका, क्योंकि साथ साथ इतने रोड हैं तो समझ नहीं आती है, जूम करें तो फिर पता चलता है जी नहीं हम गलत रोड पे हैं। पुप्पा के घर जाने की और उधर मिलने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं उधर शूट करना ही भूल गई। हम रुके भी थोड़ी देर थे, बस थोड़ी देर उनसे मिला, थोड़ी देर बातें वगैरह की, तो फिर हम लोग अब निकल आए हैं वापस घर के लिए। अब हम इंशाल्लाह 1-1.5 घंटे पर घर पहुँच जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।